हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की आरडी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रखा है। तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट है, डिस्काउंट का कंसेप्ट है और वैल्यू एडिड टैक्स का कंसेप्ट। ठीक है, तो मैं आपको 13.2 स्टार्ट करवा रही हूँ आज की क्लास में। इससे पहले कुछ और चैप्टर्स इस बुक चैनल पर अपलोड है, जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर 5 एंड 12, तो आप वो भी उस चैनल पे से कर सकते हैं। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एसपी इफ मार्क्ड प्राइस इज दिस एंड डिस्काउंट इज दिस। दो पार्ट दे रखे हैं, आपको क्या करना है, एसपी फाइंड करना है। तो डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है एमपी माइनस सीपी होता है ना, पर डिस्काउंट या परसेंटेज में दिया है, तो पहले आप डिस्काउंट रुपीज में निकाल लो अपना। तो अगर मैं रुपीज की बात करूँ तो 1300 का ही तो 10% होगा, कि डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है ना, तो डिस्काउंट आ जाएगा मेरे पास 130। अब फॉर्मूला जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस का एसपी होता है, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, एमपी की जगह एमपी लिख दिया, माइनस एसपी ऐसी है। चलो अब हम अपना एसपी निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो मैं एसपी को दूसरी साइड पे ले गई और डिस्काउंट को दूसरी साइड ले आई, ताकि मैं इजीली अपना एसपी निकाल सकूं। तो मेरा आंसर आ जाएगा ₹1170। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, सेम ही है, बस डिजिट चेंज हो गई। तो पहले डिस्काउंट हम रुपीस में निकालेंगे, जो मार्क्ड प्राइस का 15% है, तो 75 रुपीज़ मेरा क्या आ गया यहाँ पर, डिस्काउंट रुपीज़ में आ गया। अब मैं यहाँ से अपना ये वाला फॉर्मूला लगा के एसपी निकाल सकती हूँ, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट की वैल्यू, मार्क्ड प्राइस की जगह मार्क्ड प्राइस की, एसपी ऐसी है, तो एसपी आ जाएगा 500 माइनस का 75, तो 425 जो है वो आपका एसपी आ गया। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, कह रहे फाइंड मार्क्ड प्राइस। अब इस केस में मार्क्ड प्राइस निकालना है, एसपी दे रखा है और अगेन डिस्काउंट परसेंटेज के फॉर्म में ही दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, डिस्काउंट तो रुपी में नहीं निकाल सकते क्योंकि मार्क्ड प्राइस नहीं पता, एसपी पता है हमें, तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट एमपी इज इक्वल्स टू एक्स। तो डिस्काउंट इसी का ही तो 6% है, रुपी में अगर मैं निकालूं तो वो इसका 6% हो जाएगा, तो 6x/100 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला सेम वही लगाया जो ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाया था, एमपी माइनस का एसपी, डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट की वैल्यू लिख दी, एमपी की जगह एमपी, एसपी की जगह एसपी। ठीक है यहाँ तक। अब 1222 को यहाँ पर ले आई और 6x/100 को यहाँ ले गई, तो 1222 यहाँ पर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, तो एलसीएम लिया तो 100 आ जाएगा। अब 100 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया 1222 के साथ और यहाँ पर आ गया 94x। अब 94 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो सामने वाली साइड पे क्या था, मल्टीप्लाई का था, बस डिवाइड कर दो, तो एक्स आपके पास आ गया 1300, मतलब मार्क्ड प्राइस जो आपने जिसे एक्स माना था वो 1300 आपका निकल गया। क्लियर है, ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट था। चलिए अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेम ही है, लेट करते हैं, लेट एमपी इज इक्वल्स टू एक्स, तो डिस्काउंट क्या आएगा रुपी में, एक्स का 1% है, तो इसका मतलब x/100 है, 1x लिखो या एक्स, बात तो एक ही है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट है x/100, एमपी है एक्स, एसपी है 495। अगेन 495 को यहाँ पर ले आए और x/100 को यहाँ पर ले गए। ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम किए मैंने, तो एलसीएम लिया तो 100 आ गया,
इस 100 को दूसरी साइड पे ले गई तो 495 के साथ ये मल्टीप्लाई का हो गया और यहाँ पर 99x बचा। अब 99 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा क्योंकि वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई का है एक्स के साथ। ठीक है, 495 को कर दो या फिर 49500 को डिवाइड कर दो, बात एक ही है, बाद में जीरोस लगानी पड़ेंगी, 500 आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस आपका आ गया ₹500। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन। डिस्काउंट अब आपको निकालना है, एसपी और एमपी दोनों दे रखा है, अगेन दो पार्ट है लेकिन परसेंटेज में निकालना है। के लिए पहले मुझे रुपी में निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला होता है एमपी माइनस का एसपी। एमपी है 900 और एसपी है 873, है ना। तो जो ये वाला डिस्काउंट आपका निकला 27, ये रुपीस में निकला। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट रुपी में अपॉन में एमपी और इनटू में 100। तो 27 अपॉन 900 इनटू 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, ये इससे कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 3%। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट सेम है, सिर्फ डिजिट्स चेंज हो गई हैं और कुछ नहीं हुआ है। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं हम अपना रुपी में। एम पी 500 है और एस पी 425 है, डिस्काउंट आ गया रुपीज़ में कितना 75। अब डिस्काउंट परसेंट की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट रुपीज़ वाला अपॉन में एम पी और इनटू में 100। तो 75 अपॉन में 500 इनटू में 100, यही होगा ना। तो दो जीरो से दो जीरो आप काट सकते हो, 5 से इसको काट सकते हो, 15% आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहे अ शॉप सेलिंग स्विंग मशीन ऑफर्स 3% डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेज। एक शॉप है जो स्विंग मशीन बेचता है, कपड़े सिलने वाली जो होती है, 3% का डिस्काउंट देता है अगर आप कैश परचेज करते। What cash amount does a customer pay for the swing machine? The price which is marked as ₹650। तो बताओ कस्टमर ने कितना पे किया होगा अगर उसका मार्क्ड प्राइस जो था उस मशीन का 650 था। तो क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस 650 दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है मुझे परसेंट की फॉर्म में 3%। सबसे पहली बात, जब भी डिस्काउंट परसेंट में दिया हो ना, हमेशा रुपीज में निकाल लो, और वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है। ठीक है ना, तो 650 को मैंने 3 से इनटू किया तो 1950 आया, जीरो से जीरो कट गई, 19.5 आ गया रुपीस में, ये आया मेरा डिस्काउंट। मुझे क्या निकालना था यहाँ पर, सेलिंग प्राइस निकालना है कि कस्टमर कितना पे करेगा, तो सेलिंग प्राइस ही होगा ना वो। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रुपीज वाला एम पी माइनस का एस पी। तो 19.5, 650 एस पी मुझे नहीं पता, तो 650 माइनस 19.5, है ना। अब 650 में से आप क्या करो, 19.5 को माइनस कर दो तो 630.5 बचेगा। इसका मतलब वो स्विंग मशीन की जो कैश जो वो पे करेगा कस्टमर को, कितना पे करेगा, 630.5। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे कह रहे हैं द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹720। एक फैन का मार्क्ड प्राइस दे रखा है 720। ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट इज सोल्ड फॉर ₹684। जब ऑफ सीजन होता है ना तो वो 684 पे सोल्ड हो जाता है, तो आप देख लो कम पे बेच रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो वही डिस्काउंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है परसेंट की फॉर्म। तो पहले रुपी के फॉर्म में निकालते हैं, हो जाएगा एम पी माइनस का एस पी, मतलब 720 माइनस 684 हो जाएगा,
है ना, तो ये वाला जो डिस्काउंट आएगा आपका 36, ये रुपीज में आ गया। अब आप डिस्काउंट परसेंट आसानी से निकाल सकते हो, वो आपके पास होता है फॉर्मूला डिस्काउंट रुपीज वाला अपॉन में मार्क्ड प्राइस और इनटू में 100। तो ये 36 अभी निकाला, क्वेश्चन में 720 गिवन था, यहाँ 100 आ गया। जीरो से मैंने जीरो को कट कर दिया है। अगर 72 से 36 के आपस में दोनों कट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, टू पे हो रहे हैं, टू से इसको कट कर दिया, तो इसका मतलब 5% डिस्काउंट मिला ऑफ सीजन पे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अभी इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आज मैंने आपको 5 करा दिए हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिए। एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस चैनल पे अपलोड है, एक्सरसाइज ट्राई दिस एग्जांपल सब चीज़ पूरी बुक अपलोड है। आरडी शर्मा के काफ़ी सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं। इसके अलावा पहले कोई और चैप्टर चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।